सो एसिडिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन के ए वैल्यू. अच्छा, जैसे जैसे लॉग लगाते हो ना, तो जो बड़ा नंबर होता है ना वो छोटा बन जाता है. मतलब अगर आप इसको पी के ए बनाओगे ना, तो पी के ए की वैल्यू जो होगी ना वो छोटी होगी, तो मतलब के ए बड़ा है. जैसे लॉग लगाते हो तो बड़ा नंबर ज्यादा छोटा बन जाता है, तो अगर के ए की वैल्यू बड़ी है तो लॉग लगाने के बाद के ए की वैल्यू छोटी हो जाएगी. कहने का मतलब ये है कि जिसका के ए छोटा होगा वो उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा बड़ी होगी. मतलब के ए अगर मेरा बढ़ रहा है तो के ए बढ़ाओगे तो पी के ए की पूरी वैल्यू जो होगी ना वो छोटी हो जाएगी, और एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी क्योंकि के ए बढ़ रहा है. तो पी के ए एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, तो किस तरह से रिलेट करोगे, अगर हमारे पास स्मॉलर पी के है, स्मॉलर पी के मीन्स हायर के बड़ा होगा तो पी के छोटा होता है, तो एस के बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है, तो स्मॉलर पी के स्ट्रॉन्गर द एसिड. सही. अच्छा, मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है बिटवीन पी के एंड द एसिडिटी कांस्टेंट के, ये हमारी बात हो गई. पी के अगर मुझे बनाना है तो मैं के साथ माइनस लॉगरिथम लगा दूंगा, तो दिस विल गिव मी पी के. अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद, वरना ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को देख के तुम लोगों को समझना अभी मुश्किल होगा. ये पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं सारे, लेकिन ये जो पार्ट टू है ना, बी का पार्ट टू, ये अभी हमने किया भी था पहले. कैलकुलेट द पीएच ऑफ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ अमाइनो इथेनोइक एसिड. अच्छा, अमाइनो इथेनोइक एसिड का इसने तुम्हें ना फॉर्मूला दिया हुआ होगा यहाँ पे, ये रहा. ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, इट इज H2N अमाइन CH2COOH, CO2 है या COOH. ये जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो और अच्छा रिकॉल हो जाएगा तुम लोगों को कि ये अमाइनो इथेनोइक एसिड क्यों कह रहे हैं इसको. कार्बन देखो, वन दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, और साथ में अमाइन लगा हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अमाइनो इथेनोइक एसिड. बहरहाल, क्योंकि ये एसिड है, इसको जब आप वाटर में डालोगे तो इट विल डिसोसिएट एंड विल गिव एच पॉजिटिव आइन. इट विल लिबरेट एच पॉजिटिव आइन, क्योंकि ये वीक एसिड है, क्योंकि इथेनोइक एसिड वीक एसिड होता है ना, इसलिए रिवर्सिबल का साइन आएगा. और उसका पी के ए भी देखो काफी बड़ा है, तो बड़ा पी के ए मतलब वीकर एसिड, छोटा पी के ए मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड. इट विल गिव मी दिस. अब वो पीएच निकालने के लिए कह रहा है मुझे एसिड का, और उसने एसिड की मुझे कंसेंट्रेशन दी हुई है. अब इसका पी के ए दिया हुआ है, पी के ए दिया हुआ ही ना वीक एसिड्स का होता है जो कि पार्शियली डिसोसिएट करते हैं. ऊपर जो है टेबल में मुझे पी के दिया हुआ है इसका, मैं इसको फुली डिसोसिएट नहीं कर रहा. अगर ये फुली डिसोसिएट होता तो पीएच निकालना कोई मुश्किल ही नहीं था इसका. मैं करता है पीएच माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन, जो एसिड की कंसेंट्रेशन होती वही सारा का सारा डिसोसिएट हो जाता, तो 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एच पॉजिटिव आइन की कंसेंट्रेशन भी हो जाती. लेकिन ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये वीक एसिड है, और ये वीक एसिड है तो इसमें के की एक्सप्रेशन बनेगी. और के की एक्सप्रेशन कैसे बनाते हो, जो प्रोडक्ट में तुम्हारे पास है H2N CH2COO-, एनाइन इसका कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास जो लेफ्ट साइड पे एसिड होता है. यहाँ पे एसिड की इनिशियल कंसेंट्रेशन रखते हैं जो भी आपको दी हुई होती है. ठीक है, ये बात लेकिन हमारी हुई थी कि कुछ ना कुछ तो डिसोसिएट हुआ है, तभी तो एच पॉजिटिव आइन बना है, आगे गया है. लेकिन फिर भी हम इनिशियल कंसेंट्रेशन रख रहे होते हैं, हम इग्नोर कर रहे होते हैं माइनस एक्स जो कर रहा था हमने. याद है ना ये सारी बातें. तो अगर मैं कहूं कि ये मेरा 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब था, इनिशियली ये 0.0 था व्हेन द इक्विलिब्रियम वाज एस्टैब्लिश्ड, तो ये 0.1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये एक्स और एक्स बन जाएगा क्योंकि ये 1:1 के रेशियो में बन रहा है. ठीक है, लेकिन ये जो 0.1 माइनस एक्स हुआ है, इस माइनस एक्स को हम इग्नोर करते हैं. इसकी जगह तो मैं एक्स ले लूंगा, एच पॉजिटिव आइन की जगह भी मैं एक्स ले लूंगा, और एसिड की जगह पे 0.1 माइनस एक्स लेने के बजाय मैं सिर्फ 0.1 ले लूंगा, क्योंकि एक्स छोटा नंबर है, माइनस एक्स को हम इग्नोर कर देंगे. तो ये चीजें याद रखना. और के की वैल्यू इसको आपने आपको दी हुई, आपको उसने ना पी के की वैल्यू दी हुई, अमाइनो इथेनोइक एसिड की पी के की वैल्यू दी हुई है 9.87. इस फॉर्मूले में के है,
पी के ए से के ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? उसने पहले देखो तुमसे एक्सप्रेशन बनवाया ना, पी के ए क्या है, पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए, पी के उसने दिया हुआ है 9.87 माइनस लॉग ऑफ के ए, तो कैसे निकालोगे? ये जाके 10 जो भी चीज है पहले मल्टीप्लाई बाय माइनस होगी, ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो भी चीज है वो 10 की पावर में आ जाएगी, माइनस 9.87, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के ए। सही है, तो के ए का जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10^-9.87, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे, जब ये वैल्यू यहाँ रखोगे डेट वुड बी 10^-9.87, एक्स आपने निकालना है, तो ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो एक्स आएगा बेसिकली वही एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन है, क्योंकि एच पॉजिटिव आयन को एक्स के इक्वल दिया था, दिस थिंग इसको एक्स रखा था ना, तो ये तुम्हारे पास आएगी, दिस वुड बी 3.67 एक्सपोनेंट माइनस 6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। वंस यू नो द कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन, पीएच निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आइन, ये एच पॉजिटिव आइन की कंसेंट्रेशन यहाँ रख दो तो तुम्हारे पास पीएच आ जाएगा, पीएच कितना हो जाएगा इसका, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन आई है 3.67 एक्सपोनेंट माइनस 6, तो यहां से इसका पीएच आ जाएगा जो कि आ रहा है 5.4। सही है, सो फार सो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। एसएन कुमार? नहीं सर। ओके अच्छा अब देखो वो टाइटेशन करा रहा है, टाइटेशन तुम लोगों को पता है जो ओ लेवल में करते थे, पढ़ी भी हमने लास्ट क्लास में, एसएन टाइटेशन वही ओ लेवल वाली है कि कॉनिकल फ्लास्क में तुमने एसिड लिया तो ब्यूरेट से अल्केली गिराओगे, इंडिकेटर डालोगे, एंड पॉइंट आएगा, उसके स्टेप्स हम लोगों ने सारे जो उस दिन पढ़े हैं वो ये ग्राफ बनाने के लिए यूज होगा, और ये ग्राफ जो है ना 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स में वो ऐसे ही नहीं शेप बनाने के मार्क्स नहीं दे देगा आपको, सिर्फ वैल्यूज भी निकालनी होंगी। देखो 10 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ 0.1 मोलर एमाइनोथेनोइक एसिड वाज टाइटेटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आफ्टर 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्सेस हैड बीन एडेड द पीएच वाज फाउंड टू बी 12.5। अच्छा क्या चीज वो डाल रहा है, ब्यूरेट से क्या डाल रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ आया तुम लोगों को? जी सर। क्या है ब्यूरेट में, एसिड या अल्केली? क्योंकि उसके के की वैल्यू दी हुई है, ऊपर तुमने वो वीक एसिड का फॉर्मूला यूज करके पीएच भी निकाला है उसका, तो दिस इज अ वीक एसिड, वीक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग एल्केली, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच भी दिया हुआ है 12.5, दिस शोज इट्स अ स्ट्रॉन्ग एल्केली, वीक एसिड है आपके पास और स्ट्रॉन्ग एल्केली है, तो जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्केली रिएक्ट होता है तो कंजुगेट बेस बनता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वाटर, तो हमारी क्या बात हुई थी, जब भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्केली का रिएक्शन होगा तो एंड पॉइंट जो होगा उसका पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन, एंड पॉइंट पीएच जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, रिमेंबर कुमेल? जी सर। ठीक है, एंड पॉइंट हमारा मतलब 7 से ऊपर आएगा, जब भी देखो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्केली होता है एंड पॉइंट 7 पे आ जाता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्केली होता है एंड पॉइंट का पीएच जो होता है वो 7 से ऊपर होता है, और जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एल्केली होता है तो उसका पीएच 7 से नीचे होता है, और स्ट्रॉन्ग एल्केली वीक एल्केली और वीक एसिड होता है तो उसका पीएच तुम्हें पता है वो भी 7 पे ही होता है, लेकिन उसका कर्व का शेप एक अलग तरीके से बनता है जो हमने डिस्कस किए हैं सारे। अच्छा अभी जो है ना मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, वो ये कह रहा है कि उसने कितना लिया है,
उसने जो तुम्हारा एसिड लिया है ना, वो उसकी कंसेंट्रेशन उसने तुम्हें बताई हुई है, विच इज 0.1 मोलर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का मैं मोलर लिख रहा हूँ, सही है। और वॉल्यूम उसने बताया हुआ है 10 cm³। अल्कली के बारे में उसने आपको बताया हुआ है कि अल्कली कितना ऐड किया है, आफ्टर 20 cm³ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड एन एक्सेस। 20 cm³ पे टाइट्रेशन खत्म नहीं हुई है, मतलब 20 cm³ इज नॉट द टाइटर वॉल्यूम। 20 cm³ पे ग्राफ आपको नहीं उठाना है, बोला 20 cm³ ऐड करने के बाद अल्कली एक्सिस में हो गया है। एक्सिस में होने से पहले टाइट्रेशन हुई होगी ना कंप्लीट, एंड पॉइंट कहाँ आएगा, जहां पे सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा अल्कली से। तो 20 cm³ इज नॉट द टाइटर वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में सभी ये गलती करते हैं, 20 cm³ को टाइटर वॉल्यूम लेते हैं और ग्राफ को जो है ना वो यहाँ पे उठा देते हैं, सारा गलती यही होता है इसमें। वो ये कह रहा है 20 cm³ एक्सिस में डालने के बाद, तो टाइटर वॉल्यूम आपको निकालना है। तो पहला स्टेप क्या आता है इसका, पहला तो है कि हम स्टार्टिंग पीएच निकाल लेंगे। स्टेप वन वॉज टू फाइंड द स्टार्टिंग पीएच। और स्टार्टिंग पीएच कैसे निकालोगे, जो चीज कॉनिकल फ्लास्क में हमेशा स्टार्टिंग पीएच उससे निकलता है। कॉनिकल फ्लास्क में क्या है, एसिड है 0.1 मोलर ऑफ 10 cm³, उसका पीएच तुम जो है पिछले पार्ट में निकाल चुके हो, 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जो अमाइनो एथेनोइक एसिड ही लिया हुआ है ना उसने, यही वाला एसिड है अमाइनो एथेनोइक एसिड H2N CH2COOH। इसका पीएच जो है ना, इसकी कंसेंट्रेशन इसने दी हुई है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 0.1 मोलर, उसका ही पीएच उसने ना पहले पार्ट में निकलवाया है, ठीक है। तो वो जो मैं बता रहा था ना, ये 3 मार्क्स का है, लेकिन 3 मार्क्स में इतनी सारी वर्किंग है इसमें, तो वर्किंग आपको 2 मार्क्स की पहले ही करवा ली ना उसने, तो समझ लो कि ये कर्व जो है वो 5 मार्क्स का बन गया पूरा। ये आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो दिस इज द स्टार्टिंग पीएच 5.4, कॉनिकल फ्लास्क में एसिड पड़ा हुआ है 5.4 का, ये बात समझ आती है ना? जी सर। तो इस कर्व की वैल्यू जो पहला स्टार्टिंग पीएच है, मतलब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने ऐड करना स्टार्ट ही नहीं किया है, उस वक्त इसकी कर्व पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 पे 5.4। अब 5.4 जरा ध्यान से कर लेना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5.4 यहाँ कहीं आ रहा होगा, प्रॉपर हो गया, सही है। तो इस चीज को जरा सा ध्यान से कर लेना कि आप सही प्लॉटिंग करो, ये तो मैथ्स वाला खेल है सारा। अभी आपको टाइटर वॉल्यूम और चाहिए, सेकंड स्टेप क्या था, फाइंड टाइटर वॉल्यूम। और टाइटर वॉल्यूम क्या है कि ब्यूरेट में क्या है, एल्केली है, वॉल्यूम ऑफ एल्केली रिक्वायर्ड टू कॉज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे, देखो आप इसकी अगर इक्वेशन बनाओ ना एसिड और एल्केली के रिएक्शन की, तो इस एसिड में से 1 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आइन निकल रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आइन निकलता है। ये बात तुम लोगों को पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व होगा तो 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव और 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आइन निकलेगा। इस एसिड में से भी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है ना, तो 1 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आइन निकलेगा, इसका रिएक्शन होगा जो भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। प्रोडक्ट बनाना चाहो वैसे मांगा नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को पता है कि H पॉजिटिव आयन जहां से निकलेगा वहां पे Na पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम अमाइनो एथेनोएट, ठीक है। ये मांगी नहीं है इक्वेशन, ये मैं सिर्फ तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि आगे किसी क्वेश्चन में यूज होती है, तो इस तरह से बनाई जाती है। टाइटर वॉल्यूम कैसे बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन C₁V₁/N₁। अगर मैं ये एसिड के लिए लिख रहा हूँ ये चीज, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड N₁ में आ जाएंगे जो इक्वेशन में दिए हुए हैं। C₂V₂/N₂ जो अल्केली के लिए लिख रहा हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड यहाँ आ जाए, अल्केली यहाँ आ जाएंगे। आपने यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड जो कि आपको दी हुई है 0.1, कितना वॉल्यूम एसिड का लिया है कॉनिकल फ्लास्क में 10 cm³, उसको न्यूट्रलाइज करवाना है कम्प्लीटली। नंबर ऑफ मोल्स इन इक्वेजन 1 है। कंसेंट्रेशन ऑफ एल्केली क्या लिया हुआ है, एल्केली की जो कंसेंट्रेशन ली हुई है टाइटेटेड विद 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी कंसेंट्रेशन भी 0.1 ली हुई है, ये आपने ढूंढना है क्वेश्चन में 0.1, और इसका कितना वॉल्यूम लगेगा टाइटरेशन कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है।
अब उसने जो क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया हुआ है ना 20 cm³, दैट इज नॉट अ टाइटर वॉल्यूम, वो एक्सिस में डालने के बाद दिया हुआ है, हमें टाइटर वॉल्यूम निकालना है। और ये 1 क्यों आया नीचे, 1 इसलिए आया क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी 1 मोल है इक्वेशन में। तो इस V को निकालोगे तो ये V आ जाएगा आपके पास 10 cm³, 0.1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 रह जाएगा सिर्फ। तो 10 cm³ ऑफ एल्केली ऐड करने के बाद टाइट्रेशन हुआ है, मतलब जो ग्राफ उठना है ना वो 10 cm³ से उठना है, सही है। अच्छा, एंड पॉइंट कहाँ आएगा, 7 से ऊपर, मतलब मुझे इस ग्राफ को उठाना है और मैंने क्या लिया है इसमें, एसिड, वीक एसिड लिया है, तो वीक एसिड है तो उसका पीएच जो है वो इस तरह से चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आएगी, और इसको ना ऊपर ले जाना। अच्छा, कितना ऊपर ले जाना है वो डिसाइड करने से पहले ना, अगर मैं अल्टीमेट पीएच निकाल लूँ ना तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। देखो, हमारे पास थर्ड स्टेप क्या था कि मुझे एक तो ये हो गया टाइटर वॉल्यूम निकाल लिया, टाइटर वॉल्यूम निकालने के बाद मैं आखिरी स्टेप में जाता हूँ अल्टीमेट पीएच निकालने के लिए, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारे पास ये था कि हम डिसाइड करते हैं कि एंड पॉइंट जो है वो कहाँ होगा। तो एंड पॉइंट कैसे डिसाइड करोगे, एंड पॉइंट कहाँ होगा, क्योंकि इसमें वीक एसिड लिया हुआ है और जब भी टाइट्रेशन बिटवीन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्केली होती है तो एंड पॉइंट जो होता है वो अबव पीएच 7 होता है। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि हम अल्टीमेट पीएच निकालेंगे। अल्टीमेट पीएच क्या, कि सारा का सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सिस में जब डल गया यहाँ पे तो कॉनिकल फ्लास्क में एसिड नहीं रहा, सारा का सारा एल्केली है। और अल्टीमेट पीएच जो है ना इसमें हमें निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है, वैसे मैं निकाल सकता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अल्टीमेट पीएच, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मुझे कंसेंट्रेशन दी हुई है 0.1 mol/dm³। तो मैं क्या करूँगा, -log 0.1 करूंगा तो ये पीओएच आ जाएगा, इसको 14 से माइनस करूंगा तो पीएच आ जाएगा, लेकिन मुझे अल्टीमेट पीएच ना निकालने की जरूरत नहीं है। रीजन बताओगे जरा क्यों नहीं निकालूंगा मैं अल्टीमेट पीएच, ऑलरेडी दिया हुआ है 12.5, ऑलरेडी दिया हुआ है 12.5, इसलिए जरूरत नहीं है निकालने की, ठीक हो गया। तो अल्टीमेट पीएच इज ऑलरेडी गिवन, तो निकालने की क्या जरूरत है। तो आपका अल्टीमेट पीएच 12.5 का क्या मतलब है, 8, 9, 10, 11, 12, 12.5 के यहाँ इस लाइन पे लाया कर रहा होगा, ये लाइन बनानी नहीं है, मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए बना रहा हूँ। मतलब जब मैं 10 cm³ डालूंगा ना तो यहाँ पे कर्व ने जो है ना यहाँ से आके कुछ इस तरह से जाना है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एल्केली है तो उसकी ज्यादातर स्ट्रेट लाइन रहेगी, स्ट्रॉन्ग है ना एल्केली, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जो एसिड है तुम्हारा वीक है, तो वीक के लिए तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन नहीं रहती बल्कि यूं करके खड़ा होता है। मैंने क्या बोला था, आप एंड पॉइंट जहां भी ले रहे हो उससे अबव और बिलो जो वर्टिकल लाइन है उसके डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल रखना। अब आपको ये तो पता है कि एंड पॉइंट जो है ना उन्हें 7 से ऊपर लेना है, अब 7 से ऊपर और ये कितना आया है 12.5, ठीक है। अब मैं 7 से ऊपर कितना भी लो ना, 7 से ऊपर जितना भी तुम जा रहे हो, मेक श्योर कि जब वर्टिकल लाइन बना रहे हो तो वो ऐसी आए कि अगर 7 से ऊपर तुमने यहाँ लिया है तो वो जितना ऊपर है लाइन उतना नीचे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गया एंड पॉइंट, तो जितना लाइन नीचे है उतना ही लाइन ऊपर भी है अंदाजे से तकरीबन। तो इस पीएच कर्व को यूं खड़ा करना है, इस पर मार्क्स कहाँ पे मिल रहे हैं, 10 cm³ टाइटर वॉल्यूम आपने सही निकाला, इनिशियल पीएच आपने सही प्लॉट किया जो कि आपका 5.4 आया हुआ था, एंड पॉइंट पीएच 12.5 आपने सही प्लॉट किया, और आपने ये शेप बनाया ना ये शेप सही बनाया, और एंड पॉइंट आपने 7 से ऊपर, 7 से ऊपर कैसे पता चल रहा है इस ग्राफ से एंड पॉइंट 7 से ऊपर है, क्योंकि वर्टिकल लाइन को मिडिल में हाफ करूँ ना तो वहाँ एंड पॉइंट बनता है, अब वर्टिकल लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी लेंथ है, इसको हाफ करूंगा तो एंड पॉइंट कहीं यहाँ जाके बनेगा ना, तो वो 7 से ऊपर है, मतलब पीएच 7 से ऊपर है, तो इट मींस कि आपने सही बनाया है, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं सर। ओके ग्रेट, आसान सी चीज है, मुश्किल नहीं है इक्विलिब्रिया का चैप्टर, बस थोड़ा सा ना फोकस होके पढ़ना है, मार्क्स निकालता है ये। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ना इसके, ताकि ये पक्का हो जाए।
अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, ये टाइट्रेशन कर्व तो इसके बड़ा आखिर में आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन भी शायद हम लोगों ने किया है, शायद नहीं किया, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ शायद किया है, आइसोसाइनिक एसिड वाला क्लास में किया था। तो कर लेते हैं दोबारा से, थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा बॉन्डिंग वगैरह तुम लोगों की। वन एटम ऑफ ईच ऑफ द फोर एलिमेंट हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बॉन्ड टुगेदर इन डिफरेंट वेज। टू एग्जाम्पल्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोसाइनिक एसिड एंड क्या लिखा है, साइनिक एसिड एंड आइसोसाइनिक एसिड, द एटम्स आर बॉन्डेड इन ऑर्डर दे आर रिटन। ठीक है, आगे कह रहा है ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ दीज टू एसिड शोइंग आउटर इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अच्छा ये कहीं पढ़ोगे तो नहीं कि भाई आइसोसाइनिक एसिड की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, वो आपने जितना बचपन में पढ़ा हुआ है ना उसी नॉलेज को यूज करके सब कुछ निकालना है। बचपन में की क्या मतलब है, बॉन्डिंग आपने ओ लेवल में पढ़ी और एस में पढ़ी है, ए टू में तो आपको केमिकल बॉन्डिंग कोई पढ़ा नहीं रहा है। सही है, तो उसी को यूज करके तुम्हें ना सब कुछ बताना है, तो जरा बताओगे कि क्या बनाऊं, या बना के दिखा सकते हो थोड़ा सा मुझे बताओ कि तुम लोग को बॉन्डिंग कहाँ तक आती है। हाँ भाई कुमेल, जी सर, सी ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन साइनिक एसिड और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। आप बोल रहे हो सी ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और जी, सिंगल सिंगल बॉन्ड बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड बॉन्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अच्छा सारे के सारे बैलेंस्ड हो गए ना। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, ग्रुप फोर का है, उसका आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको चार रिक्वायर्ड होते हैं तो वो चार बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन ग्रुप फाइव का है, उसका आउटर मोस्ट शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको थ्री रिक्वायर्ड होते हैं तो इसलिए वो थ्री बॉन्ड बनाता है। सही है, इसी तरह ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तुम्हें पता है, ग्रुप सिक्स का है, और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है एसएन आ रहा, क्योंकि नहीं देखो सर। वो ए टू में इस तरह की चीजें डालता है, केसी केपी भी डालेगा जो आपने एएस में पढ़ा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग भी डाल दी, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी अच्छे खासे तुम लोगों ने देखे हैं, एनर्जेटिक्स में भी डाला है, इसमें भी डाला है, करेगा ऐसी हरकत, दो तीन चार मार्क्स तुम्हारे ना ऐसे फंसाएगा वो। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि एएस जो है वो जाके दोबारा से सारा पढ़ना शुरू कर दो, सारा पढ़ भी लोगे तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा अजीब सा ही देता है तुम्हारे पास। थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो आप देखोगे ना कि पास पेपर में इस क्वेश्चन के बार बार बॉन्डिंग के बार बार पूछता है, तो बस जाके बॉन्डिंग रिवाइज कर लेना, सारा रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा दूसरा बताओ, आइसोसाइनिक एसिड क्या होना चाहिए? सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो कार्बन बेसिक है हमारे पास, कार्बन के मुझे पता है कि चार बॉन्ड बनते हैं, साथ में ऑक्सीजन है तो दो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड बनाने होते हैं, तो नाइट्रोजन को अगर मैं एक बॉन्ड बना दूं यहाँ पे तो कार्बन के साथ नाइट्रोजन एक और बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन। सही, बस इसमें ना जी सर, डॉट एंड क्रॉस जरूर बना देना वरना तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। डॉट एंड क्रॉस कैसे बनाओगे, कार्बन 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 और नाइट्रोजन के, अगर यहाँ क्रॉस से दिखाए तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन और दिखा देना, कार्बन का यहाँ दिखा है, ऑक्सीजन का अगर क्रॉस से दिखा है तो ऑक्सीजन के फिर छः पूरे कर देना और हाइड्रोजन का एक ये। डॉट एंड क्रॉस नहीं शो करोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही है एहसन? सही है सर। और नाइट्रोजन का यहाँ क्रॉस देखो, एक का डॉट से दिखा रहे हो तो उसके बराबर वाले का क्रॉस से दिखा देना, अब की वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है इसमें कि नाइट्रोजन का क्रॉस से दिखाए डॉट से दिखाए, वो खुद समझ जाएगा एग्जामिनर। सजेस्ट द वैल्यूज ऑफ द बॉन्ड एंगल। यस बॉन्ड एंगल बताओगे, बॉन्ड एंगल्स एच एन सी एन इन आइसोसाइनिक एसिड, मतलब हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन का, हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड कार्बन का बॉन्ड एंगल बताओ एंड एन सी ओ इन आइसोसाइनिक एसिड। आइसोसाइनिक कौन सा है, दूसरा वाला है, इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन का मतलब ये वाला बॉन्ड एंगल पूछ रहा है और एनसीओ मतलब ये वाला बॉन्ड एंगल पूछ रहा है। तो बॉन्ड एंगल कैसे डिसाइड करते हो, बॉन्डेड रीजन देख के और लोन पेयर्स देख के। अगर मेरे पास नाइट्रोजन को अगर कंसिडर करोगे, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्डेड रीजन है, दो बॉन्डेड रीजन है ना नाइट्रोजन के पास। जी देखो एक ये बॉन्डेड रीजन है और एक ये बॉन्डेड रीजन है, नाइट्रोजन के पास दो बॉन्डेड रीजन है और लोन पेयर कितने हैं, वन, टू बॉन्डेड रीजन वन लोन पेयर,
शेप क्या होता है? नॉन लीनियर 104.5 या बेंट. इसका एंगल कितना होता है? 104.5 जी. 20 अपना देखो 104.5 जो होता है ना वो उसका होता है बेंट का, जिसमें टू बॉन्डेड रीजन और टू लोन पेयर होते हैं. देखो ना ये AS की मुझे याद दिलाना. मैं AS की ना बॉन्ड एंगल्स की वीडियो तो मैं सेंड कर दूंगा, देख लेना वहां से रिवाइज कर लेना. फोर बॉन्डेड रीजन, जीरो लोन पेयर होता है टेट्राहेड्रल. देखो मैंने ही ना ये ऐसे याद करवाया हुआ है. 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60. ये पूरी ये काउंटिंग याद कर लो ना. तो ये जो पहला वाला होता है ना ये होता है बॉन्डेड रीजन, ठीक है, और दूसरा वाला होता है लोन पेयर. और एंगल टेट्राहेड्रल का मैंने कहा है बस टेट्राहेड्रल का एंगल याद करो 109.5 डिग्री. उसमें से जब आप एक बाउंडेड रीजन कम करोगे और एक लोन पेयर बढ़ाओगे तो 2.5 डिग्री माइनस 2.5 डिग्री माइनस हो जाता है. तो ये हो जाता है 107 डिग्री. इसमें से 3 को 2 कर दोगे और 1 को 2 कर दोगे तो ये आ जाता है ये वाला टू बाउंडेड रीजन टू लोन पेयर. इसमें से 107 में से 2.5 माइनस करोगे तो ये आता है 104.5 डिग्री, ठीक है. So, ये टू बाउंडेड रीजन टू लोन पेयर होता है बेंट, बेंट नॉन लीनियर जिसका पूरा नाम होता है, ठीक है. ये तो हमारे पास नाइट्रोजन आया ना, इसमें टू बाउंडेड रीजन आए और वन लोन पेयर आया, दिस इज होता है बेंट लीनियर. और इसका एंगल कितना होता है? इसका एंगल होता है तकरीबन 1117. इसको जब ट्रिग्नल प्लैनर बनाते हैं ना 120 डिग्री वाला, उसमें से जब मैं 2.5 डिग्री माइनस करता हूँ तो ये आता है 117.5 या 117. तो इसकी बड़ी रेंज दी हुई होती है पास पेपर में. 117 एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ होता, डिफरेंट दिया हुआ होता है. तो 20 एंगल 20 डिग्री तक रेंज दी हुई होती है, 10 या 20 डिग्री तक. तो हमने ये याद किया है जो कि उस रेंज में ही आते हैं. सही है, कोई प्रॉब्लम है इसको किसी में? आप लोग मुझे याद दिलाना, मैं AS की अपनी बॉन्ड एंगल्स वाली वीडियो शेयर कर दूंगा, वो देख लेना. ये देखो ये तुम्हें पता है कि ये आने ही है बॉन्डिंग, और ये A2 में जब आ रहा है तो रिवीजन करके जाओ, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स हैं, आसान है. तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये सारी चीजें, तो जब तुम्हें फ्री के चार मार्क्स मिल जाए तो क्यों छोड़ के आओ. इसी तरह NCO देखो, तो NCO क्या है? टू बॉन्डेड रीजन. कार्बन को देखो, सेंट्रल एटम, तो टू बॉन्डेड रीजन. कार्बन के इधर दो बॉन्ड है, इधर दो बॉन्ड है, तो दो बॉन्ड को मैं एक बॉन्डेड रीजन में काउंट करूंगा ना. और लोन पेयर जीरो है, टू बॉन्डेड रीजन जीरो लोन पेयर, तो वो क्या होता है? लीनियर. और लीनियर का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, राइट? यस. एसएन जारा, ये सारी चीजें अगर याद नहीं है, भूल गए हो, तो इसको प्लीज रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये चीज आ रही है और फ्री के मार्क्स लगते हैं ये. खैर आगे आ गया. Suggest why the acid cyanic or isocyanic will have the shorter carbon nitrogen bond length. Explain your answer. ठीक है, तो इनकी bond length shorter क्यों होगी? ये यहाँ पे अपना क्या कहते हैं, irrelevant. इस equilibrium से तो irrelevant सवाल है, लेकिन तुम लोगों को ये चीज, ये भी तुम लोगों ने AS में ही पढ़ी हुई है. जी सर. ठीक है, shorter bond length क्यों होगी? क्योंकि carbon nitrogen bond जो बन रहे हैं वो double bond बन रहे हैं ना, ठीक है, या तुम कहते हो कि हायर बॉन्ड एंथैल्पी है. सही है, ये वाला वो आइसोसाइनिक, साइनिक और आइसोसाइनिक किसी एक का भी बता दो. साइनिक में कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, और जितने भी ज्यादा बॉन्ड ज्यादा बनते हैं तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती जाती है. जी. सही है, तो तुम लिख दो हायर बॉन्ड एंथैल्पी है, तो स्ट्रॉन्गर है. बॉन्ड लेंथ अगर शॉर्टर है तो मतलब वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इसलिए शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है, या मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, कुछ भी लिख दो. ठीक है, तो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है. कैसे पता? क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो. हायर बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी लिख सकते हो, ये लिख दो कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, एटसेट्रा. तो 3, 4, 5 मार्क्स ना इसने तुम्हारे AS से खींच लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 मार्क्स AS से खींच लिए. किसी चैप्टर में दोबारा बॉन्डिंग नहीं पढ़ते हो, रिवाइज नहीं करते हो, सारे के सारे AS से मार्क्स निकाल लिए इसने तुम्हारे. करता है कभी कभार ऐसा. खैर अभी इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन आ गया है. कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ आइसोसाइनिक एसिड. इसने तुम्हें वो दी हुई है. अब आइसोसाइनिक एसिड वीक एसिड है,
इरिवर्सिबल के साइन से भी पता चल रहा है. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो इरिवर्सिबल का साइन होता, एक एरो होता. दिस इज अ वीक एसिड. वीक एसिड है तो हमें पता है कि के की एक्सप्रेशन क्या बनेगी इसकी, एच पॉजिटिव आइन NCO नेगेटिव डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में क्या है एसिड की कंसंट्रेशन. K कितना दिया हुआ है 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 4. एच पॉजिटिव आइन की कंसंट्रेशन तुम X ले रहे हो तो NCO नेगेटिव भी X हो जाएगा क्योंकि 1:1 है ना, ये X है तो ये भी X होगा. और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 0.1 दी हुई है, इसको माइनस X करने की कोई जरूरत नहीं है, पीछे बात हो चुकी है. तो यहाँ से आप X निकाल लोगे जो कि आपके पास आ रही है, कितनी आ रही है, जो भी आ रही है, मैंने ना डायरेक्ट x निकालना है ना तो मैं अंडर रूट कर दूंगा क्योंकि वो x स्क्वायर हो जाएगा 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 4 इनटू 0.1. तो x मेरे पास जो भी आ रहा है वो h पॉजिटिव आइन की कंसंट्रेशन हो जाएगी, मतलब दिस इज आल्सो इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ h पॉजिटिव आइन. और pH कैसे आएगा, pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ h पॉजिटिव आइन. ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू आ रही है इसको रखोगे तो तुम्हारे पास pH आ जाएगा. मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 4 इनटू 0.1. ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू 2.46, तो मैं 2.5 ले लूंगा. अच्छा, पीएच को जो है ना आप 2 डेसिमल प्लेस तक लोगे, पीएच कभी भी आप 3 डेसिमल प्लेस नहीं लिखोगे. हालांकि 2.460 या 2.461 आ रहा है तो यू विल नेवर राइट 3 डेसिमल प्लेस. या तो आप उसको 2 डेसिमल प्लेस लिखोगे या आप उसको 1 डेसिमल प्लेस लिखोगे. बेटर है 1 डेसिमल प्लेस लिख दो, दोनों एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, पीएच को हम हमेशा 2 या 1 डेसिमल प्लेस लेंगे. मैं प्रिफर करता हूँ कि 1 डेसिमल प्लेस लिख दो, लेकिन राउंड ऑफ सही करना. 2.46 है तो 2.5 लिखना, वरना वो गलत कर देगा. सही, साथ में देखो कैलकुलेटर, जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ या प्रैक्टिस में तो कैलकुलेटर खुद से ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको पता तो है कि करा क्या है. कैलकुलेटर में जब डालते हो ना तो आंसर मेजॉरिटी गलत निकाल रहे हो, तो वो कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करना, वही कैलकुलेटर जो एग्जाम में लेके जाने वाले हो. मोबाइल का कैलकुलेटर हरगिज़ इस्तेमाल ना करना. फिर वो कह रहा है कि सोडियम साइनेट NaNCO इज यूज्ड इन दिस प्रोडक्शन ऑफ आइसोसाइनिक एसिड. सम सोडियम साइनाइड इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय रिएक्टिंग यूरिया विद सोडियम कार्बोनेट. अच्छा, अदर प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड स्टीम. राइट एन इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम साइनाइड बाय दिस मेथड. अच्छा जी, अब वो ये कह रहा है कि कैसे बनाया है इसने, बाय रिएक्टिंग यूरिया विद सोडियम कार्बोनेट. तो यूरिया का उसने फॉर्मूला दिया हुआ है NH2 2CO, रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला यू ही इज एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू रिमेंबर Na2CO3. निकाल भी सकते हो, सोडियम Na+1 होता है, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव होता है. ये जो बना रहा है वो कह रहा है कि ये चीज़ बना रहा है सोडियम साइनेट जो कि NaNCO है, और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, और अमोनिया बना रहा है, और स्टीम मतलब वाटर H2O बना रहा है. इस इक्वेशन को बना के ना आपने बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो इसकी बैलेंसिंग कर लोगे ना, ट्राई करना, कर लो. वैसे इसकी बैलेंसिंग में यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा था, और आई गेस अमोनिया के साथ 2 आ रहा था. ठीक है, लेकिन खुद से जरा प्रैक्टिस कर लेना बैलेंसिंग की. आगे चलें? जी सर. अच्छा, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन. ओके, कंप्लीटली आयनाइज्ड का क्या मतलब है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग एल्केली है, स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, क्योंकि आगे पीएच कर्व बना रहा है ना, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तुम्हें पता है कि वीक एल्केली होगा तो शेप चेंज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है तो शेप डिफरेंट होगा. तो यहाँ से ना रीड बिटवीन द लाइंस वाली बात है, कम्प्लीटली आयनाइज्ड तो यू मस्ट नो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एल्केली, और आगे यूज भी करना है. खैर, इसको ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड टू 20 ऑफ 0.1 मोल ऑफ आइसोसाइनिक एसिड द पीएच वाज मेजर्ड.
ठीक है, टाइट्रेशन कर रहा है, एडिशन किसकी कर रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की, तो कॉनिकल फ्लास्क में क्या होगा, एसिड, और ब्यूरेट में क्या डाला होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सही है, तुम्हें कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड बताया हुआ है उसने 0.1 मोलर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब को ना मैं मोलर लिखता हूँ कैपिटल एम, लेकिन आप एग्जाम में लिख के नहीं आना, आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही लिखना पूरा। इस वॉल्यूम ऑफ एसिड और इस कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड को वो बेरियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट करा रहा है, ठीक है, टाइट्रेट करा रहा है, तो वो एंड पॉइंट ढूंढ रहा होगा उसका, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करा रहा होगा, और बेरियम हाइड्रोक्साइड नीचे गिरा रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन उसने क्या ली हुई है, 0.1 मोलर, ये भी जीरो नहीं सॉरी हाँ 0.1 मोलर लिया हुआ है ये भी, और इसका वॉल्यूम है ना कितना वॉल्यूम ऐड करा रहा है, 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब 30 सेंटीमीटर क्यूब उसने कहा है कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ 30 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करा दिया, क्या उसने ये तो नहीं बोला है ना कि 30 सेंटीमीटर क्यूब टाइटर वॉल्यूम है, इस पर एंड पॉइंट आ गया है, ठीक है, इसने ये कहीं नहीं बोला है, उसने बोल रहा है बस एंड करा दिया, ऐड कराने के बाद कैलकुलेट द OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन, देखो अगर उसने ब्रैकेट में डाल के यूं ब्रैकेट लगाए हुए ना, इसका मतलब है वो कंसेंट्रेशन मांग रहा है तुमसे, कुछ लोग बेचारे इसी में परेशान रहते हैं कि OH का मांग क्या रहा है, कंसेंट्रेशन मांग रहा है, ब्रैकेट का मतलब ही कंसेंट्रेशन होता है, ठीक है, यूनिट भी लिखा हुआ है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो आफ्टर एडिशन ऑफ कितना वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब जब उसका ऐड कर दिया है ना, तो उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन कितनी होगी, सही है, तो ये क्वेश्चन ना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना लग रहा है, कि आपने डायरेक्ट जो है बोला कि अच्छा मैंने OH की कंसेंट्रेशन निकालनी है, तो ये फुली डिसोसिएट होता है, 0.1 मोलर ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो 2 × वो बन जाएगा, ऐसा नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ये नहीं कर देना जल्दी में कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डिसोसिएट होगा, तो बेरियम का 2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव 2 मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा, तो ये मैंने 0.1 डाला है तो ये 0.1 मोलर बनेगा और ये 2 × 0.1 मोलर बनेगा, ठीक है, ऐसा ये निकलेगा तो इसमें से, लेकिन एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन 30 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करने के बाद OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन ये नहीं होगी, रीजन रीजन बताओ ना, OH नेगेटिव आयन ऐड कर बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद वॉल्यूम ऐड हो रही है, डाइल्यूशन हो रहा है, सही है, लेकिन OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन, चलो तुम्हारी वाली बात तो सही है, दूसरा रीजन क्या है, मेन रीजन OH नेगेटिव आयन नीचे जाके क्या वैसे ही बैठा रहेगा, एसिड पड़ा हुआ है नीचे, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन क्या बनाएंगे, वाटर, तो कुछ OH नेगेटिव आयन तो रिएक्ट होके खत्म ही हो जाएगा ना, नहीं जी, समझ आई ये बात तुम लोगों को, जी सर, बेरियम हाइड्रोक्साइड आइसोसाइनिक एसिड से रिएक्ट करा रहा है, आइसोसाइनिक एसिड का फॉर्मूला ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है ना, HNCO, मतलब 1 मोल ऑफ आइसोसाइनिक एसिड से कितना मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन निकलेगा, 1 मोल ऑफ आइसोसाइनिक एसिड से H पॉजिटिव आयन का कितना मोल निकलेगा, HNCO है ना, 2, क्यों 2 निकलेगा, यहाँ पे H कितना है, देखो अगर मेरे पास HCl होता है 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ HCl में से H पॉजिटिव आयन कितना निकलता है, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन, सही है, लेकिन अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ H2SO4 है तो उसमें से H पॉजिटिव आयन कितना निकलता है, 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन और 1 मोल ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन, आइसोसाइनिक एसिड का जो उसने फॉर्मूला दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है HNCO, तो 1 मोल ऑफ आइसोसाइनिक एसिड में से H पॉजिटिव आयन का कितना मोल निकलेगा, 1 मोल, और NCO नेगेटिव का भी 1 मोल निकलेगा,
वन मोल निकलेगा, सही है। ध्यान से करना है A2 के क्वेश्चन बड़े, जब भी जो वेटेज ज्यादा है इसका। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या बनाओगे, BaNCO हो जाएगा और इसके साथ 2 आ जाएगा क्योंकि Ba2 पॉजिटिव है, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। इसको बैलेंस करने जाओगे ना तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कहने का मतलब ये है कि 1:2 के रेशियो में रिएक्ट कर रहा होगा। ये बात समझ आई, एल्केली और एसिड 1:2 के रेशियो में रिएक्ट करेगा, ये बताना चाह रहा था जी। ठीक है, एसिड के कितने मोल्स नीचे पड़े हुए, यहाँ से N is equal to CV से निकाल सकते हो। एसिड की कंसेंट्रेशन 0.1 है, वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड कितने नीचे पड़े हुए हैं ये निकालो तो कितना आएगा, 0.1 into 20 डिवाइड बाय 1000, दैट वुड गिव मी 0.002 मोल। एसिड का 0.002 मोल पड़ा हुआ है नीचे, एल्केली रिएक्ट कर रहा है 1:2 के रेशियो में विद एसिड। अभी एसिड का मेरे पास 0.002 मोल है, तो एल्केली का कितना मोल रिएक्ट करेगा इसके साथ, हाँ भाई डिवाइड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे, हाफ रिएक्ट करेगा ना, तो 0.001 एल्केली रिएक्ट करेगा, सही है। 0.001 एल्केली रिएक्ट करेगा, एल्केली का तुमने मोल डाला कितना है वैसे जज्बातीय होके, तुमने तो सारा का सारा डाल दिया था, जज्बाती हो गए थे, N is equal to CV, 30 सेंटीमीटर क्यूब पूरा डाल दिया था, टाइट्रेशन गुजर भी गई, एक्सेस में आ गया था वो। तो 0.001 एल्केली का मोल रिएक्ट कर रहा है सिर्फ, आपने डाला कितना था, कंसेंट्रेशन ली थी इसकी 0.1 और वॉल्यूम इसका था 30 डिवाइडेड बाय 1000, आपने एल्केली का कितना मोल ऐड किया था, कितना आ रहा है ये 3 × −3 बन जाएगा ना, ये 0.003 जी, 0.003 आपने एल्केली का 0.003 मोल डाला था, उसमें से रिएक्ट कितना कर गया 0.001, है ना जी, रिएक्ट कितना कर गया 0.001, तो 0.003 टोटल डाला था तुमने, उसमें से रिएक्टेड हो गया 0.001, तो एक्सेस में कितना रह गया 0.003 − 0.001 That would give me 0.002. देखो ज़ारा ऐसा, ये बात समझ आ रही है? जी सर। ज़ारा आ रही है सर। थोड़ा सा चीजें इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है इस क्वेश्चन में। अब मुझे ये बता सकते हो कि OH नेगेटिव आयन की क्या कंसेंट्रेशन आएगी बाहर? OH नेगेटिव आयन के मोल्स बता सकते हो? 0.002 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स 0.002। किसके मोल हैं? एल्केली के ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड के। जी। तो OH नेगेटिव आयन इसमें से कितना निकलेगा? OH नेगेटिव आयन का कितना मोल निकलेगा इसमें से? अरे क्या हो गया लड़को, लंबा हो गया क्या क्वेश्चन? मेरे पास 0.002 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, 1 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड में से कितना मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन निकलता है? 1 2 है ना, 2 कितना, 2 2 2, हां 2 निकलेगा। ये सब AS मोल्स है, 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन निकलेगा, ठीक है, 1 में से 2 निकलता है, तो 0.002 में से कितना निकलेगा? रेशियो मेथड, हाँ देखो बेरियम तो निकलेगा 0.002 Ba2 पॉजिटिव, क्योंकि ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 0.002 कितना हो गया 0.004 मोल, OH का 0.004 मोल बाहर आएगा। समझ आई बात? जी सर। ठीक है, 0.004 मोल बाहर आएगा।
मोल्स निकाले हमने OH नेगेटिव आयन का, तो कंसंट्रेशन क्या होगी? कंसंट्रेशन के लिए क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम। हाँ, और टोटल वॉल्यूम अब कितने वॉल्यूम में एल्केली है, ये पहले एसिड का भी वॉल्यूम है और 30 सेंटीमीटर क्यूब तो ये डाला और एसिड ऑलरेडी 20 पड़ा हुआ था, तो वॉल्यूम टोटल कितना हो गया नीचे 50। तो 50 डेसीमीटर क्यूब में करोगे तो 50 एक्सपोनेंट माइनस ये, तो कंसंट्रेशन आ जाएगी इसकी 0.08 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। समझ आई? कितनी सारी चीजें लग गई एक साथ। क्या इसका कोई शॉर्टकट है? देखो शॉर्टकट मैं तुम्हें इसका मैं तुम्हें याद करवा दूं ना, जैसे ओ लेवल की टाइटेशन करते वक्त करते थे, तो तुम बहुत सारे क्वेश्चंस में फंसोगे। इसको ये इतना लंबा जो हो गया ना, ये सिर्फ समझाने में हो गया, वरना ये इतना लंबा है नहीं। अगर तुम लोगों ने AS और AS का मोल्स अच्छी तरह पढ़ा हुआ है ना, इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। तुम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, इसकी तुम्हें वो हो रही है ना, न्यूट्रलाइजेशन ही हो रही है एक तरह से, लेकिन हमने एल्केली एक्सेस में डाल दिया है, ठीक है। तो आपने पहले ये निकालना था कि एसिड के कितने मोल्स हैं, आपको ये इक्वेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, या आपको जज करना था, सिर्फ इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एल्केली और एसिड 1:2 के रेशियो में रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो एल्केली का जो मोल्स आपने टोटल डाला है वो 0.003 डाला है, रिएक्ट करेगा 0.001, तो बचना कितना चाहिए 0.002। 0.002 एल्केली में से OH नेगेटिव आयन कितना निकलना चाहिए 0.004। 0.004 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन निकला, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जो टोटल वॉल्यूम है, विच इज 50। समझ आई कुमैल, एसएन जारा? जी सर, जी सर। अब इसको देख के ना, क्वेश्चन को देख के घबरा नहीं जाना, ये आपने यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व इट और क्विकली। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स का है भी नहीं। देखो सिंपल, उसने तुम्हें दिया बेरियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड की उसने तुम्हें दे दी OH के साथ 2 लगा हुआ है ना, और आइसो साइनिक एसिड का फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है HNCO। तो तुम्हें यहीं से दिख रहा है कि ये 1:2 के रेशियो में रिएक्ट करेगा, मतलब 2 मोल ऑफ एल्केली विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ एसिड। टोटल मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो तुम निकालोगे, उसकी कंसंट्रेशन और उसके वॉल्यूम से N इज इक्वल टू CV, डायरेक्ट डायरेक्ट करने वाली कहानी थी ये सारी। तो ये टोटल मोल इसका आया था 0.003। जो रिएक्ट करेगा वो कैसे निकालोगे, कि एसिड का कितना मोल नीचे पड़ा हुआ है, वो भी N इज इक्वल टू CV से, तो वो हमारे पास कितना आया था 0.002 मोल आया था एसिड का, 0.002 मोल आया था। हमें पता है ये हाफ रिएक्ट करेगा तो 0.001 रिएक्ट कर जाएगा, इसका 0.001 मोल ऑफ एल्केली रिएक्ट कर जाएगा 0.003 में से, तो बचा कितना 0.002 ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। उसमें से OH नेगेटिव आयन का कितना मोल निकलेगा, मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन 2 × 0.002 विच इज 0.004, और उसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे 0.004, और कितने वॉल्यूम में 30 सेंटीमीटर क्यूब एल्केली लिया हुआ था, 20 सेंटीमीटर क्यूब एसिड तक कॉनिकल फ्लास्क में, तो दोनों मिक्स हुए हैं, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन आ जाएगी, राइट। थोड़ी प्रैक्टिस करनी है चीजों की, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहाँ पे डिसोसिएशन 1:2 के रेशियो में हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये सब सही पता होना चाहिए तुम लोगों को। अच्छा, फिर कह रहा है यूज योर वैल्यू इन 1 टू कैलकुलेट concentration of H positive ion and the pH of the solution at the end of the addition, ठीक है। अच्छा जी, final H positive ion और final pH बताओगे क्या होगा? वो आपसे कह रहा है कि final H positive ion की concentration, use your answer in 1 to calculate H positive ion। अब H positive ion जो तुम लोग कहोगे कि सारा का सारा react कर गया था, OH negative ion डाल लेते, लेकिन हमारी जो बात हुई थी तो हमने क्या डिसाइड किया था कि पीएच जब भी हम निकालते हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन से ही निकाला जाता है हर हाल में, याद है ये बात? क्या भूल गए? जी सर। तो आपके पास OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में अभी कितना बचा पड़ा हुआ है, तुम ये निकाल लो, ये तो तुमने निकाला हुआ है ना,
वो कितना OH नेगेटिव आयन, कितना अनरिएक्टेड OH नेगेटिव आयन, रिएक्टेड कितना है और अनरिएक्टेड कितना है, उससे आपने ये निकाली कि 0.8 मोल पर डेसीमीटर, सॉरी ये 0.08 आया था, 0.08 मोल पर डेसीमीटर क्यूब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है। तो इसमें H पॉजिटिव आयन की क्या होगी, आपने KW यूज करना है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू डेटा बुकलेट में दी हुई होती है ना, जो कि कितनी है 1 exponent minus 14, उससे आप कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकालोगे। OH नेगेटिव आयन आपको पता है 0.08, तो जो भी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आनी है उससे आप pH निकाल लोगे। अब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, इतनी कम है कि वो एसिडिक नहीं रहे, अब अल्कलाइन हो जाएगा वो, लेकिन अल्कली का भी pH जो है वो आप एसिड की कंसंट्रेशन से निकालते हो, OH नेगेटिव आयन नहीं रखते हो। अगर माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन रख देते हो तो वो फिर आपके पास pH नहीं आता है बल्कि pOH आता है, सही, ये नहीं करना है हमें। हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से, जो कि हमारे पास आ रही है 1.25 exponent minus 13, और pH कितना बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1.25 exponent minus 13, तो pH हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू 12.9 और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ये आ गई, सही, क्लियर है ये वाला? जी सर जी। टाइटेशन कर्व दिया हुआ है, देखो जान नहीं छोड़ा, 3 marks का टाइटेशन कर्व भी दे दिया है, लेकिन ऊपर वाला अगर क्वेश्चन सही करा हुआ है तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आंसर, वैसे तो ECF मिलता है लेकिन इसके मार्क्स इंडिपेंडेंट है, एक तरह से ECF मिल के तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, अगर ऊपर वाला तुमने गलत किया हुआ है वो इशू नहीं होगा तुम्हें। लेकिन क्या कहते हैं, अब आपने ऑन द फॉलोइंग एक्सिस स्केच हाउ द pH चेंजेस ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ टोटल ऑफ 30 cm³ ऑफ 0.1 molar बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड 20 cm³ ऑफ 0.1 molar ऑफ आइसोसाइनिक एसिड। एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, या एसिड फ्लास्क में लिया हुआ था, ठीक है, तो पीएच जो है स्टार्ट होगा कहाँ से, फ्लास्क से, एसिड से, लोअर वैल्यू से स्टार्ट होगा। एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, आइसोसाइनिक एसिड वीक है, वीक है, ऊपर बता दिया था ना उसने वीक एसिड है जी, ठीक है, याद नहीं है तो देख लो, एसिड वाज वीक, रिवर्सिबल का साइन भी बनाया था उसने, अल्कली स्ट्रॉन्ग दिया था कि दिस वाज अ वीक एसिड, अल्कली स्ट्रॉन्ग है, मैंने बताया था अल्कली स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा, कंप्लीटली आयनाइज्ड का था, हमने यहाँ पे डिसाइड भी किया था, अल्कली स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, कर्व का शेप तुम्हें पता है, स्टार्ट इनिशियल पीएच क्या होगा, पहला स्टेप क्या है कि मैं इनिशियल पीएच निकालूंगा, और इनिशियल पीएच कहाँ से निकलेगा, जो कि एसिड का पीएच होगा, ठीक है, और एसिड का पीएच कॉनिकल फ्लास्क में, जब कॉनिकल फ्लास्क इंडिपेंडेंट था, ठीक है, तो एसिड का पीएच तुमने पहले पार्ट में निकाला था जो कि 2.5 था, ठीक है, ये निकाल चुके हो, अभी निकालना नहीं है, 3 marks तुम्हें फ्री के उठाना है यहाँ पे, आपने 2. मैंने इसलिए कहा था कि 1 decimal place की वैल्यू लिखो, क्योंकि ग्राफ पे आप 1 decimal place ही प्लॉट कर सकते हो, 2.46 को भी 2.5 ही प्लॉट करोगे अल्टीमेटली। तो आपने इनिशियल पीएच जो है ना, वो जब आपने अल्कली ऐड भी नहीं करा है तब जो है वो 2.5 है, तो 1, 2, 2.5 कहीं आ रहा होगा, सही है, क्योंकि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्केली की टाइट्रेशन है, तो एंड पॉइंट जो है वो आपका एंड पॉइंट पीएच जो होगा 7 से अबव होगा। दूसरा स्टेप क्या होता है, टाइटर वॉल्यूम, किस वॉल्यूम पे टाइट्रेशन हुई है, ठीक है, अब उसने एल्केली जो है ना, देखो 30 cm³ सोडियम बेरियम हाइड्रोक्साइड जज्बाती होकर डाल तो दिया था, लेकिन वो टाइटर वॉल्यूम तो नहीं था ना, वो तो एक्सिस में डाला हुआ था उसने, हमें तो वाला वॉल्यूम चाहिए जिसपे एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजेशन हो गई है, और एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजेशन कितने मोल्स पे हुई थी, 0.001 मोल पे, तो उससे भी मैं निकाल सकता हूँ, अगर वो नहीं करना तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, C₁V₁/N₁ C₂V₂/N₂, ठीक है, ये अगर मैं अल्केली के लिए ले रहा हूँ तो ये एसिड के लिए ले लो, दूसरा वाला अल्केली की कंसेंट्रेशन 0.1 mole है बेरियम हाइड्रोक्साइड की, उसका वॉल्यूम आपने कितना डाला है, वही तो टाइटर वॉल्यूम है, वो जो क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है ना, दिस इज नॉट अ टाइटर वॉल्यूम, 30 cm³ नहीं रख देना है यहाँ पे, इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्केली कितना आएगा, 1, एसिड की कंसेंट्रेशन क्या ली हुई है तुमने, आइसोसाइनिक एसिड की, वो भी 0.1 ली हुई है, कॉनिकल फ्लास्क में एसिड का वॉल्यूम कितना है, 20, जो कि टाइटर करवाना है कम्प्लीटली,
और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड जगह टू आएगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन में टू है ना, टू रिक्वायर्ड है बैलेंस करने के लिए. तो यहाँ से आपका टाइटर वॉल्यूम आ जाएगा जो कि कितना आएगा, 0.1 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, 2 × 10 = 10 cm³. 10 cm³ पे ग्राफ को ऊपर उठना है, ये बात क्लियर है? 10 cm³ को ग्राफ को ऊपर उठना है. ज़ारा एहसन ये बात समझ आती है ना? जी सर. एहसन कैच कर रहे हो अभी टाइटेशन कर रहे यहाँ से? सर सही है. क्या कह रहे हो एहसन? बस सर सही है इसकी, इधर मुझे आप क्लास दें पूरी. ठीक है, टाइटेशन कर्व की ना? जी सर. चलो ठीक है, ये कर लेंगे. वो उस दिन क्लास पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई, आग क्यों नहीं रही उसमें रिकॉर्डिंग में. अच्छा टाइटर वॉल्यूम आ गया 10 cm³. 10 cm³ को कर्व को ऊपर उठना है, तो मैं यहाँ से जो कर्व उठाऊंगा ना ऊपर, वो इस 10 cm³ को उठाऊंगा. लेकिन पहले अल्टीमेट पीएच भी डिसाइड कर लो. टाइटर वॉल्यूम तुम्हें पता है 10 cm³ आ गया, अल्टीमेट तुम्हें ये पता है कि एंड पॉइंट जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, क्योंकि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्केली है. और अल्टीमेट पीएच, अच्छा यूजुअली जो है ना वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्केली की टाइटेशन करवाता है तुमसे अक्सर केसेस में, लेकिन तुम्हें सबका शेप याद करना है. अल्टीमेट पीएच क्या है, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड की उसने एक्सिस में करने के बाद जो पीएच बन गया ना, वो कितना निकाला है तुमने, 12.9. ये तुमने निकाला है ना, वो बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्सिस में था ना एट द एंड ऑफ टाइटेशन, तो वो 12.9 आया था. अल्टीमेट पीएच जो है ना वो 12.9 है. 12.9 कहाँ पे बनेगा, 8, 9, 10, 11, 12, 12.9 13 के करीब कहीं बनेगा ना यहाँ पे. मतलब यहाँ पे इसने जाके जो है ना वैल्यू, कर्व ने जो है ना यहाँ पे आके टाइटर वॉल्यूम के बाद 10 के बाद जो है ना यहाँ पे कहीं जल्दी से आके इसने यूँ हॉरिजॉन्टल लाइन हो जानी है, और उसको टच नहीं करना ऊपर लाइन को, क्योंकि 12.9 है, 13 से नीचे ही है अभी भी. ठीक है, और एंड पॉइंट अब वर्टिकल लाइन जो बनाओगे ना वो इतनी लंबी बनाना कि यहाँ से बना दिए ना, तो अब वीक एसिड है, वीक एसिड तुम्हें पता है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आती, इस तरह से आता है. थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ, बेशक 7 से ऊपर वर्टिकल लाइन स्टार्ट करो लाइक दिस. ये शेप इस तरह से इसलिए बना है क्योंकि वीक एसिड है, और ये शेप हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए बनी है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एल्केली है. सही है, और 10 cm³ टाइटर वॉल्यूम है. तो ये 3 मार्क्स तो तुमने कुछ कैलकुलेशन नहीं की, सब ऊपर से वैल्यूज यूज करके बस ग्राफ बनाया, तो ये इजीली मार्क्स तुम अटेन कर सकते हो. राइट जी.